अद्य संस्कृतम वदामि। आचार्य आचार्य महोदय नहीं, आचार्य महोदय, अद्य संस्कृतम शिक्षयसि। हाँ आचार्य महोदय नमो नमः। सर्वेशां नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। राम जी, मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। मम श्रणु सेवा। अस्तु अस्तु। अस्तु अस्तु। जब भी अहम क्षमस्व कल नहीं ज्वाइन कर पाने के लिए। हाँ, तो कोई मुश्किल नहीं। आप यदि वीडियो देख लेंगे तो आप वापस उस जगह पे आ जाएंगे जहाँ पे भी हम थे। हाँ, बिल्कुल जी सर। एक सेकेंड जस्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको जब स्क्रीन दिखेगा तो बोलिएगा। अभी बताइए, स्क्रीन जैसे दिखेगा बोलिएगा। जी। दिग्गज सर। उत्तमम। तो एक मिनट। अधुना पश्यामि। उत्तमम उत्तमम। अधुना भवान जवनिका पश्यामि। भवतः जवनिका। भवतः जवनिका पश्यामि। हाँ, क्योंकि भवान का मतलब है आप, और भवतः मतलब आप आपका या आपकी, आपके, ऐसे आपके हाँ आप है ना? भवतः तो भवतः जवनिका। जवनिका पश्यामि। उत्तमम उत्तमम। तो सर्वप्रथम ओम उच्चारण कुर्मः। तो फुल स्क्रीन। हाँ, फुल स्क्रीन हो गया। तो अभी अपनी आंखें बंद करते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं। ओम के उच्चारण में जैसे हर बार हम ध्यान देते हैं कि अ उ और म की तीनों ध्वनियां जो हैं अलग अलग और लगभग बराबर समय के लिए हम कहें, और अपने अंदर ये भी अनुभव करें कि वो कहाँ कहाँ से होके आ रही है। तो अ उ और म, ये जो है तीनों अलग अलग जगह हैं और वो हमको अपने आप समझ में आता है, मेरे बोलने से नहीं हो रहा। सिर्फ इतना एक और चीज ध्यान रखिए कि जब म का जब हम अंत में उच्चारण करते हैं तो म के अंत में अ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये जो मधुमक्खी या भंवरे की जो ध्वनि होती है उस तरह की आवाज करनी है, क्योंकि हम जब ओम बोलते हैं तो जो है वो बिना अ के होता है, इसलिए उसके अंत में हलंत भी लगता है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जल्दी कोई नहीं है, आप अपने शरीर के अंदर खुद ध्यान देके देखिए कि अ उ और म कहाँ कहाँ से वो ध्वनियां निकलती हैं। तो अब पूरे 1 मिनट तक हम करेंगे। अब आंखें बंद कर सकते हैं।
बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आंखें खोल सकते हैं, जल्दी कोई नहीं है। इसको ओम के उच्चारण को करने का एक और भी युक्ति है कि आप अपना मुंह आ के लिए ऐसा खुला रखें और फिर धीरे धीरे बंद करते जाएं और साथ में ध्वनि निकालते जाएं। तो जब मुंह थोड़ा छोटा होगा तो अपने आप वो अ का जो अ की ध्वनि है वो उ में बदल जाएगी, और फिर जब पूरा मुंह बंद होगा तो वो म इतनी बचेगी। तो ये यदि अ और म अलग अलग करने में थोड़ा ध्यान इधर उधर यदि भटकता हो तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं, कभी अलग से जब चाहे करके देख सकते हैं। इदानीम का अर्थ है अब। एक मिनट, इसको मिटाना पड़ेगा। इदानीम या अधुना भी बोलते हैं। ये है अब। अब या अभी जिसको हम कहते हैं। तो इदानीम एकः शब्दः अस्ति, एकः पदः अस्ति। नवीन पृष्ठः गच्छामि, नवीन पृष्ठं गच्छामि। शक्नुमः, तो इदानीं एतत् रूपं पश्यामि। शक्नुमः अर्थात सकते हैं, जैसे हम अभी बोलते हैं ना, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो सकते हैं ये पहले से, ये जो शब्द मैंने आपको बताया ये अभी, जैसे हम बोलते हैं कुर्मः या रक्षामः पठामः, तो आमः वाला जो उपयोग है उसका अर्थ है कि हम बहुवचन उत्तम पुरुष के लिए बोल रहे हैं, तो हम कर सकते हैं। ये शक्तु या शकनु शक नमः, तो ये आधा क है और फिर नु मह। ना 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 पर नाद हाँ अस्तु। शकनु माह तो क्योंकि उसका उपयोग काफी अधिक होता है इसलिए मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, नहीं तो असली में वो शब्द काफी बाद में बताया जाता है। यदि पाठ्यक्रम के अनुसार हम चलें तो शक्नुमः जो है बहुत बाद में सीखेंगे, पर क्योंकि उसका उपयोग इतना होता है तो एतत् शब्दं पठामः। अब जो भी धातु है जैसे पठ है लिख है, एक मिनट क्या होता रहता है, इसमें जब भी हम आमह लगा देते हैं पठामह, मतलब हम पढ़ते हैं, लिखामह हम लिखते हैं, तो जिन भी धातुओं में हमने इस तरह से लगा दिया, वदामह लिखामह रक्षामह, तो अभी आपने बीच बीच में कभी कभी कुर्मह भी सुना होगा, या शक्नुमह यदि मैं बोलता हूँ उसका मतलब है हम कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, जिसके भी बारे में बोल रहा हूँ। कुर्मह आपने सुना अभी बीच में कभी मैंने बोला तो, कुर्मह जो है वो हाँ कुरु अभी माम करने कुर्मा वाली धातु से बना है, करना। कुर्मह सर मतलब कुर्मा हम, होगा माम कुर्मा है ना वयम,
वयम कुर्मा। अभी आते हैं उस पे, 1 मिनट में आएंगे। अभी से आप पूछेंगे तो हर किसी को कितना समझेगा पता नहीं, पर अभी आते हैं उस पे। पर कुर्मा मतलब हम कर सकते हैं, और वो जो हम का उपयोग है वही ये वयम है, तो हम इन सभी के साथ ये लगा सकते हैं। वयम पठामः, वयम लिखामः, वयम कुर्मः। हम करते हैं तो वयम का मतलब हम हुआ हम। कि मैं तो अहम हुआ, और वयम मतलब हम। हाँ, तो अभी एक बहुवचन। तालिका मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमने पिछली बार भी बनाई थी। हाँ, तो युवाम। पहले हम एक एक करके देखते हैं, सबको एक साथ मत देखिए। पहले हम उत्तम पुरुष देख लेते हैं, ये जो नीचे वाली पंक्ति है इस तालिका में, उत्तम पुरुष, क्योंकि अभी अभी हम यही वाला देख रहे थे, सीख रहे हैं। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन अलग अलग इसके कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ पे। तो अहम पठामी, पठामी के साथ हमेशा अहम ही आएगा। अब उसमें लिंग अच्छा, अलग अलग नहीं होता, मैं जो है मैं ही हूँ, मतलब मैं चाहे लड़का हूँ चाहे लड़की, मैं हमेशा अहम बोलूंगा, तो अहम पठामी। उसी तरह द्विवचन, संस्कृत में ये एक विशेष उपयोग है, द्विवचन अधिकतर अन्य भाषाओं में होता ही नहीं अलग से, तो संस्कृत में है। तो आवाम पठावह और वयम पठामह, तो जब भी आपको हम का उपयोग करना है तो वयम और जो भी धातु होगी उसके आगे आमह लग जाएगा, पठामह, लिखामह, रक्षामह। आपने वयम रक्षामह किताब पुस्तक का नाम सुना होगा, आचार्य चतुरसेन, वयम रक्षामह। मैं आपको एक देखता हूँ, ये किताब पुस्तक सामने ही होगी तो दिखा भी देता हूँ, ज्यादा दूर नहीं है। ये देखिए, ये दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, हाँ, ये सीधा दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है। वयम रक्षामः। हाँ, तो मतलब हम रक्षा करते हैं। बहुत बढ़िया कथा है, आचार्य चतुरसेन की लिखी हुई है, कभी आपको मौका मिले आप लोगों को तो आप ले भी सकते हैं, अति आनंददायी लेखन है आचार्य चतुरसेन का। तो अब हमने अहम पठामी देख लिया, आवाम पठावह देख लिया द्विवचन में, और वयम पठामा, तो ये सब जो है मेरे वाले हैं। तो अहम मतलब मैं, आवाम का क्या अर्थ होगा यदि ये द्विवचन में द्विजन, है? तो मैं दोनों, और मेरे साथ, हाँ, तो हम दोनों। हम दोनों। आवाम बठावा मतलब हम दोनों पढ़ते हैं, है ना? तो ये हो गया उत्तम पुरुष, मैं वाला उपयोग। अब इसी पठ धातु के हम मध्यम पुरुष में देखते हैं क्या क्या बदलता है। तो मध्यम पुरुष मतलब तुम, हम जब किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं तो वो मध्यम पुरुष है। तो त्वम पठसि, सी तो इसमें जो ये सी का अंत में उच्चारण होता है ये साथ में लग गया, तो हम सामने वाले से एक वचन में बात कर रहे हैं, किसी एक से जब बात कर रहे हैं। यदि दो लोग हैं तो वो तुम दोनों हैं। तो युवाम पठथः, युवाम जो है तुम दोनों के लिए उपयोग होता है, त्वम युवाम और युयम, तो ये तुम दोनों और तुम सब, इसका ये ऐसा उपयोग है, तुम सब।
यूयम, और यूयम, यूयम पठा, यूयम पठा था, उसमें विसर्ग नहीं लगेगा। हाँ यूयम पठ थ में कोई विसर्ग नहीं होता, थ को सिर्फ छोटा सा थ ऐसे करके हम उच्चारण करते हैं, पठ थ, जैसे योग राम कृष्ण, तो ये जो अ की ध्वनि अंत में थोड़ी सी उस तरह का उच्चारण है उसका। तो यूयम पठ थ आप तालिका बना सकते हैं मेरे के, हो सकता है पिछली बार बना ली हो आपने तो। बना हाँ लिए सर, हाँ बनाए थे। और प्रथम पुरुष में इन्हीं शब्दों में ती लग जाता है, पठती पठतः पठन्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो रामः पठति, रामौ पठतः और रामाः पठन्ति। तो ये भी आप, हमने पिछली बार देखा था कि जब हम राम या बालक या इस तरह के कोई भी अकारांत शब्द इसके साथ उपयोग कर रहे हैं क्रिया के साथ, तो रामः रामौ रामाः, ये एक वचन द्विवचन बहुवचन, तीनों में अलग अलग। अरे ये जो बहुवचन में राम आह, ये माँ आकार विसर्ग। हाँ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो विसर्ग का ह हम उच्चारण करते हैं तो उसके साथ मात्रा नहीं छुपा रहेगा। लगानी, वो वैसी का वैसा ह की तरह उच्चारण होगा, हा की तरह नहीं होगा, रामाहा कई लोग बोलने की कोशिश करते हैं वो नहीं है, रामाह ह जो है वो छोटा ही रामाह है। हाँ पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठता पठामि पठावा पठामः। हाँ ये अच्छे से ध्यान में आ जाता है क्योंकि हमको बहुत उपयोग में आता है ये। अब प्रथम पुरुष में हम इसी को वो वाले उपयोग में भी देख लेते हैं एक बार, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे अभी बोला कि रामः पठति, मतलब राम पढ़ रहा है, अभी मुझे ये बोलना है कि सः पठति, वो पढ़ रहा है, अभी मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, या बार बार हम सर्वनाम का उपयोग कब करते हैं, जब हम संज्ञा का एक बार कहीं वाक्य में उपयोग कर चुके हैं कि सः रामः, मतलब ये राम है, अब बार बार हम थोड़ी ना बोलेंगे कि वो राम है, राम पढ़ रहा है, राम लिख रहा है, राम बोल रहा है, ऐसे बार बार तो हम बोलते नहीं, हम बोलते हैं कि ये राम है और वो पढ़ रहा है, पठसी वो लिख रहा है, तो वो जो वह वाला जो उपयोग है वो भी यहाँ पे ही लिख लेते हैं, सह या सा पठती, तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग उसके हिसाब से, सह या सा, स्त्रीलिंग है तो सा, पुल्लिंग है तो सह उपयोग होगा, इसमें सर विसर्ग लगेगा ना सर? सह में विसर्ग लगता है। हाँ में नहीं लगेगा। नहीं, सा स्त्रीलिंग वाले में नहीं लगता, तो सह पठती या सा पठती, वह पढ़ रहा है या वह पढ़ रही है। तो एक बार ये तालिका हम पूरी कर लेंगे, इसके बाद फिर प्रश्नोत्तर चालू करते हैं इसी के ऊपर से, तो अब लगभग पूरी होने वाली ही है, तो सह पठति सा पठति हो गया। द्विवचन में तौ, तो सह मतलब पुल्लिंग यदि है तो पुल्लिंग का तौ हो जाता है, सह तौ, और बहुवचन में ते, ये पुल्लिंग है, और तो मतलब सर तो ओके तो दोनों के लिए होगा सर। तौ मतलब वो दोनों, जैसे सह मतलब वह पढ़ता है, वैसे तौ पढ़ता मतलब वो दोनों पढ़ते हैं। तो ये इसमें स्त्री पुरुष अलग नहीं होगा, तो इसमें मतलब इसमें आएगा स्त्री एक तौ जो है आ जाएगा। पुल्लिंग है और हाँ स्त्रीलिंग जो है ते होता है, तो जो पुल्लिंग का बहुवचन है वही स्त्रीलिंग का द्विवचन है।
तो वो उपयोग के अनुसार आपको अर्थ समझ में आएगा। तो यदि मैंने बोला ते पठतः, तो मतलब पठतः यदि बोला है मतलब द्विवचन, तो ते जो है किसके द्विवचन में आता है, स्त्रीलिंग के, तो इसका मतलब है कि वे दोनों पढ़ रही हैं। लेकिन यदि मैंने बोला ते पठंती, तो पठंती मतलब बहुवचन, बहुवचन किसके बहुवचन में ते आता है, वो पुल्लिंग में आता है, तो उस ते पठंती का अर्थ हो जाएगा वे सब पढ़ते हैं, वो पढ़ती हैं नहीं होगा उस समय। और ठीक ये है, पुल्लिंग में बहुवचन क्या हो जाएगा? ते है ना, पुल्लिंग में नहीं सर, बहुवचन पुल्लिंग ते है और में, स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग बहुवचन ताह। हाँ, तो ये स्त्रीलिंग वाली पंक्ति है नीचे वाली, और ये ऊपर वाली जो है पुल्लिंग की है। पठंती। हाँ, तो यदि मैंने बोला ताह पठन्ति, तो आपको समझेगा कि ये वे सब पढ़ रही हैं, हम स्त्रियों की बात कर रहे हैं। और यदि मैंने बोला ते पठन्ति, तो अर्थ है कि हम पुरुषों की बात कर रहे हैं, मतलब वे सब पढ़ रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, अगर सपोज कोई क्राउड है और क्राउड के बारे में बताना है कि क्राउड आ रहा है और उसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों हैं, तो तब ते ही आएगा कि तब क्या आएगा? ते आएगा, तब ते तब ते ही ही आएगा। आएगा। हाँ, मतलब अगर हमें स्पेसिफाई नहीं करना है कि पुरुष है या स्त्री है, वो पूरा क्राउड है जिसके अंदर मिक्स है, तो ते ही आएगा। सर पुरुष लोग सब पहले से जबरदस्ती दखल करके रखा पूरा हाँ, ग्रुप। अभी तो ऐसा ही है, पर मैं और आचार्यों से भी पक्का करूंगा कि और भी कुछ उपयोग हो सकता है कि यहाँ पे ते के अतिरिक्त, जिससे महिलाओं को भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले, क्योंकि सब जगह पे पुरुष प्रधान होना आवश्यक नहीं है। पर हाँ, अभी तक यदि मिक्स्ड क्राउड है, तब आप ते पठंती या ते पठथ, पठथ नहीं, मतलब यूयम पठथ, इन दोनों में तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता नहीं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, सिर्फ प्रथम पुरुष में है। ठीक है, तो अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं थोड़ा सा, कोशिश आपने यदि लिख लिया हो तो फिर हम आते हैं, नहीं लिखने के लिए 1 आध मिनट चाहिए तो बोल दीजिए, रुक जाता हूँ मैं। मैं 1 सेकेंड खाली, मैंने वैसे मोस्टली तो लिख दिया है, बस खाली उसको थोड़ा सा सुधार लेता हूँ। हाँ आचार्य जी, आचार्य महोदय, ये जो सह तऊ ते तिन ताम तऊ तान, वो जो ताम कहाँ पर लगेगा? वो आप विभक्तियों में आ गए तो अभी रुक जाइए, क्योंकि विभक्तियां थोड़ी एडवांस चीज है, वो हम अभी अभी के अभी नहीं सीखेंगे, जैसे जैसे हमको जी आवश्यकता पड़ेगी तब सीखेंगे, जब हम जी उनका जी कुछ कुछ उपयोग कर चुके होंगे या करने वाले होंगे तब हम उस पे आएंगे। अभी सहतउते, अहम इदानी समय उपयोगामी। हाँ हाँ, हो गया मेरा। प्रश्नों तरह प्रश्न 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 के लिए प्रश्न शक्नुम शक्नुमः अहम इदानीं प्रश्न प्रश्न शकनुम उपयोगामि। हाँ, वयम कथामः, वयम प्रश्नोत्तर कुर्मः, अथवा सर ठीक वयम हुआ मेरा? ठीक प्रश्नोत्तर शक्नुमः, कुरु शक्नुमः। है, मेरा ठीक हुआ सर जो मैं पढ़ा? हाँ, आपने भी ठीक बोला, ठीक है। जैसे, और यही यही करना है हमको कक्षा में, जितना संभव हो, जहां जहां संभव हो आप कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, और हम उसको देखेंगे। थोड़ा बहुत अशुद्ध होगा तो उससे कोई उतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, पर धैर्य, जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे वो शुद्धि भी धीरे धीरे आती जाएगी।
जैसे आप घर पे मेरा बोल रहे हैं कि एक पानी पीना है, तो अब पानी के लिए वैसे तो जलम है, लेकिन आपको मान लीजिए ध्यान में तुरंत ध्यान में नहीं आए, तो आप बोल दीजिए पानी पिबामी, वो भी चलेगा, लेकिन पानी पिबामी से आपको संस्कृत का जो वो उच्चारण है वो पी लिया ध्यान, होगा, हाँ वो ध्यान में पी आने लिया होगा। लगेंगे। जी। ठीक है, अभी सर कुछ एक और बोल छोटा रहे सा थे आप। रिक्वेस्ट है। हाँ जी सर, हमने एक्चुअली सर ये जो दो तीन किताब आपने दिखाया, सपोज हमने सर जब आपका भी हमने दक्षिणा रखेंगे उसी में अगर हम ये कर सकते हैं, सर आपके पास उपलब्ध होगा सर भेजने के लिए सर? मेरे पास एक दो है, जैसे वो संस्कृतम वदतु है, तो लेकिन वो दो दो बार हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए मैंने तो मंगा लिया, अभी मैं आपको भेजूंगा तो फिर से अलग से भेजने तो पड़ेगा ही। जी। अब बोलो ये आएगा कहाँ से सर? ये संस्कृत भारती से आता है, मतलब ये या वाराणसी। तो चेन्नई, बेंगलुरु से आएगा या दिल्ली से आएगा, या संस्कृत भारती के कई हैं, तो जी जहां जी भी समझ स्टॉक गए। होता है होगा वहां स्टॉक के हिसाब से वो आ जाएगा। जी। मुझे दे सकते हैं आप, लेकिन मतलब मैं भी लेके बाद में कवर हो ऑर्डर जाएगा करूंगा तो वो दो डबल दो डबल ही होने वाला है, क्या डबल हो फायदा जाए। मैं उसका। समझ लिया सर, समझ लिया सर। एक अभी हमारे एक छात्रा थी जो 70 वर्ष के भी ऊपर की हैं, वो मेरे ख्याल से 71 या 72 की हैं, चारुलता जी, वो अपने ग्रुप में भी हैं, तो उन्होंने एक बार बोला था कि उनको भिजवा दें, तो उनका पता था कि मतलब उनको ऑर्डर करना समझता नहीं है या पता नहीं है कैसे करते हैं, जी और जी 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 तो जी उनके लिए मैंने कर दिया था, पर जो कर सकता है वो कर जी ले, यदि कोई मदद चाहिए तो मैं अवश्य कर दूंगा, उसमें कोई परेशानी नहीं। एक ही मदद सर, ग्रुप में थोड़ा वो किताब का नाम डाल दीजिए सर। हाँ आप दो बार से बोल रहे हैं, मैं हर बार भूल जाता हूँ, रुकिए जरा मैं अभी नहीं के अभी ठीक है डालता सर, हूँ। नहीं मैंने लिखा लेकिन वो सही रहेगा नहीं रहेगा वो समझ नहीं आती। हिंदी संस्कृत शब्दकोश संस्कृत बदामी बदती। एक सेकेंड, हिंदी संस्कृत शब्दकोश, हाँ फिर आंग्ल संस्कृत शब्दकोश, फिर उसके बाद पुस्तक थी संस्कृतम वदतु, तो आज हम ये वदतु के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि वो भी बड़ा काम की चीज है संस्कृत भारती। हाँ ये मैंने संदेश भेज दिया है। जी अभी यदि जैसे हम बोलते हैं अहम पठामि या वयम पठामः, इसका अर्थ आपको समझता है कि मैं पढ़ रहा हूँ या हम सब पढ़ रहे हैं, यदि अभी आपको किसी और को बोलना है कि पढ़ो, तुम पढ़ो या आप पढ़ो, तो कैसे बोलोगे? यदि हम घर पे बोलते हैं ना, कभी किसी बच्चे को बोलना है या किसी और, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, कोई और चीज करने के लिए भी बोल सकते हैं, लिखने के लिए बोल सकते हैं, बोलने के लिए बोल सकते हैं, कुछ भी काम करना है, तो उसका एक उपयोग है, अंत में आप तू लगा दीजिए, तो तू लगाने से निवेदन हो जाता है। तुम पठतु। हाँ तो आप बोल सकते हैं त्वम, यदि आप किसी छोटे से या बराबर वाले से बोल रहे हैं तो आप पठतु बोल सकते हैं, नहीं तो भवान भवती तो सबसे सुरक्षित है, भवान लिखतु, तो आपने ये सुना होगा, मैं बीच बीच में कक्षा में कभी कभी बोलता हूँ प्रश्न पृच्छतु, तो मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रश्न पूछिए, वो निवेदन है।
तो इसी क्रिया के अंत में यदि हमने तू लगा दिया तो वो निवेदन वाले क्रिया हो जाती है। तो ये बहुत काम का है। इस किसी भी चीज के अंत में आपने लगा दिया, करो तू, पठ तू, लिख तू, वद तू, हस तू। वो निवेदन हो जाएगा। और यदि निवेदन नहीं करना है किसी को, सही में आप ऑर्डर जैसा करना चाहते हैं, जो कि थोड़ा कम उपयोगी है, क्योंकि ऑर्डर अधिकतर किसी को भी कोई मानता नहीं है, पर आप यदि निवेदन करेंगे तो लोग मान सकते हैं यदि उनका थोड़ा भी और सर झुकाव अगर निवेदन नहीं करेंगे क्या होगा? तो हम पठा है। तो सिर्फ पठ तुम पठ पठ, लिख वद, तो ये तो बिना इसमें विसर्ग नहीं रहेगा, हाँ, तो ये बिना आदर के या बिना निवेदन किए आप बोल तुम रहे हैं। पठा जी। लेकिन उसमें भी एक उपयोगी शब्द है, उसमें भी आप कृपया लगा सकते हैं। कृपया क्या कृपया सर? पठ तू भी ये कर सकते हैं, या कृपया पठ, संस्कृत होगा, कृपया संस्कृत होगा। हाँ कृपया संस्कृत है, तो कृपया पठ तू भी कर सकते हैं। तो वो डबल निवेदन हो गया, मतलब आप पठ तू भी कह रहे हैं और कृपया भी कह रहे हैं, वैसा भी चलता है। कृपया एक अतिरिक्त शब्द है जिसको हम उपयोग कर सकते हैं अपने वाक्यों में, जब भी निवेदन बिल्कुल पक्का करना है कि आप निवेदन कर ही रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये कुछ जनरल चीजें मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ, जो हर जगह कहीं पे भी काम आएंगी, मतलब वो किसी एक परिस्थिति में काम आएंगी ऐसा नहीं है, वो कहीं भी काम आ सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं। इस पृष्ठ को खोल के रखते हैं, तो यदि आपको देखने की आवश्यकता पड़े तो देख भी सकते हैं, पर कोशिश करेंगे कि पहले बिना देखे, यदि तालिका समझ में आ गई है तो पहले बिना देखे हम प्रयास करते हैं। तो प्रश्नोत्तर में मिश्रा महोदय, राम महोदय किम करोति? रामः किताब पठति, हाँ, तो किताब के लिए पुस्तकम, पुस्तकं पठति। हाँ, या फिर संस्कृतम पठति, पुस्तकम पठति, राम राम महोदय या फिर किताब राम संस्कृतं महोदय, पठति। संस्कृतम पठति या राम महोदय, वो भी जैसा भी आप बोलना चाहते हैं। तो अब एक चीज ध्यान देने योग्य एक और है कि रामह, जहां पे भी हमने ये विसर्ग वाला उपयोग किया, अभी एक ये भी ध्यान रखिए कि अभी हम सब कुछ वर्तमान काल एक वचन, अधिकतर एक वचन, पर हम बीच बीच में बहुवचन द्विवचन कभी कभी ले लेते हैं आवश्यकता के अनुसार, पर अधिकतर हम एक वचन में अभी शुरुआत में सीखेंगे। वर्तमान काल एक वचन, और वर्तमान काल को ही संस्कृत में लट लकार कहते हैं। जो टेंसेज होते हैं ना, तो लकार जो है वो टेंस के एक समान है, समझ लीजिए इंग्लिश में जो टेंसेज बोलते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अधिकतर अभी हम वर्तमान काल एकवचन का उपयोग करेंगे। तो रामह जब मैंने लिखा, रामह या गीता, वो पुल्लिंग भी हो सकता है स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पर आगे का वाक्य वही का वही है, गीता संस्कृतम पठति या रामः संस्कृतम पठति। तो अब रामः जो है, आप यहाँ देखेंगे कि
कि इसका जो उपयोग है रामह जहां भी लगा विसर्ग के साथ, तो ये है कर्ता, इसको पहचानना हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो अभी मैं थोड़ी सी पहचान बता रहा हूँ, जैसे गीता है, तो गीता शब्द मैंने शायद शायद पहले बताया था कि जब भी आकारांत या इकारांत शब्द हैं जिनका अंत आ पे होता है या ई पे होता है, ऊ पे होता है, कुछ जो अ पे अंत नहीं होते, जैसे राम जो है, राम अंत में अ है, तो वो अकारांत उसको बोलते हैं। तो जहां भी अकारांत है उनके अंत में तो विसर्ग आता है, पर बाकियों में वो अपने मूल रूप में ही उपयोग होते हैं, जैसे गीता या मेरा नाम है अंशु, तो अंशु संस्कृतम पठति, ऐसे। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने मूल रूप में ही आएंगे, पर हमको वो भी करता है वो समझ में आ जाएगा देख के कि वो भी करता है, ये भी करता है, रामह भी करता है, गीता भी करता है। अब संस्कृतम, ये जो अम का उच्चारण आया, इससे हमको ये पता चलता है कि ये कर्म है, मतलब इसके ऊपर काम हो रहा है। तो कर्ता ने, मतलब राम जो काम कर रहा है वो ने वाला उसका उपयोग है, और कर्म जो है इसको कर रहे हैं। तो रामः पुस्तकम् पठति, यदि पुस्तकम् भी होता तो भी पुस्तकम् कर्म है, क्योंकि पुस्तक के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। और पठति जो है हमारी क्रिया है। एक सेकेंड, तो कर्ता ने कर्म को, और ये क्रिया। तो ये सिर्फ मैं पहचान दिखा रहा हूं, क्योंकि कुछ कुछ वाक्यों में हम अभी थोड़ा एक दो कक्षाओं के बाद हम देखेंगे कि जब संस्कृत में हम अलग अलग वाक्य लिखते हैं तो उनमें यदि हम शब्दों के क्रम भी बदल दें, जैसे संस्कृतम रामः पठति, तो जो पहले बोला वो दूसरे पे काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता। संस्कृतम यदि है तो उसके ऊपर काम हो रहा है, ये पता है, पता चल रहा है, क्योंकि वो संस्कृतम है। संस्कृत होता तब फिर वो कर्ता बन जाता, लेकिन अभी संस्कृतम है तो उसके ऊपर काम हो रहा है। तो किसी भी क्रम में लिखें पर उसका अर्थ वही रहता है। क्यों अर्थ वही रहता है? क्योंकि कर्ता अपने आप हमको देख के पहचान में आता है, कर्म देख के पहचान में आता है, और देख के क्यों पहचान में आता है? इन मात्राओं के कारण, या तो विसर्ग के कारण, या ये अनुस्वार या अम के उच्चारण के कारण, इनसे हमको अंतर समझ में आता है कि कौन सा कर्ता है और कौन सा कर्म। ठीक है, ये अभी थोड़े एक अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम धीरे धीरे जब विभक्तियों में जाएंगे तब आपको विभक्तियों में ये अलग अलग जो कब कर्म होता है और कब कर्ता होता है वो और अच्छे से समझ में आएगा, पर अभी के उपयोग के लिए इतना काफी है। समुचित हाँ, समुचित है इतना। ही करोसी। सुनाई नहीं दिया, बीच में कुछ आया, सॉरी। राम महोदय, तुम संस्कृतम अति उत्तम पठसी। धन्यवाद। हाँ, अति उत्तम। अति उत्तम। तमाम उत्तमम। तत् प्रश्नः न, तत् विचारः। अच्छा, वही मैं। हाँ, तत्व तमाम उत्तम। विचार। हाँ, सर थोड़े थोड़े ट्राई करेंगे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके भी हो जाएंगे। हाँ, अस्तु अस्तु अस्तु, वही सिर्फ प्रयास करने की ही देर होती है और कुछ नहीं है। धीरे धीरे हम जी जैसे जी अभी कक्षा में कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ही तो हमको कंफर्ट डेवलप होता है किसी भी भाषा का। चिंता मस्त। तो संस्कृतम कठिनम न, अभ्यासम कुर्मः उत्तमं भवति। संस्कृतम् अतीव सहजम्, अतीव सहजं, सरलं, सरलं अभ्यासेन भाषा। अभ्यासेन
हो जाएगा क्या, क्या कहेंगे, भवति अभ्यासे न भवति, अभ्यासेन उत्तमं भवति। उत्तमं भवति। राम महोदय, त्वं कुत्र धावति? कुत्र धावति, भाव मतलब धावति कहाँ में को, दौड़ 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 रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं? कहाँ दौड़ रहे हैं? अच्छा, अहम भाव एक बार नरिमान फिर पॉइंट, से नरिमान पॉइंट मिश्रा जी, प्रश्न फिर से धावती होगा धावसी, क्या? धावसी। राम महोदय, त्वं कुत्र धावसि? मिश्रा महोदय, अहम पाठ कार्यालयं, पाठ अहं कार्यालयं धावति, अहं कार्यालयं धावामि। धावामी। पर वो अच्छा, सही में कार्यालय में दावा कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं, उनको बोलने तो दीजिए तो पता चलेगा। नहीं सर, हम ऐसा एक एग्जाम्पल ले रहे थे, बॉम्बे में सब लोग ऑफिस को दौड़ते हैं, स्पीड ट्रेन होता है, हमारे भी कुछ दिन तक एक्सपीरियंस था, तो इसी के हिसाब से मैं सोचा कि पूछ लूं। नहीं, मैं जैसे अहम कार्य करता क्षेत्र हूँ, में मतलब कार्य हो ना, कार्य क्षेत्र कार्यालय, यदि आप कार्यालय कार्यालय। के अंदर या कार्यालय में या नहीं कार्यालय नहीं के, नहीं मैं काम से पुणे गया था, तो अहम कार्यवश पुणे 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 शहरम पुणे पुणे नगरम 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 भवसी, नहीं नहीं अगच्छम। अगच्छम। हाँ, अच्छा तो ऐसा, अब देखिए एक और है कि यदि आपको गच्छ वाली धातु आती है तो आप ये कह सकते हैं कि पुणे नगरम गच्छामि स्म। तो यदि गच्छामि अकेला बोला तो वो हो गया कि मैं स्म लगा पुणे दे तो जा ठीक रहा हो गया, हूं, और स्म जैसे ही लगाया तो वो हो गया भूतकाल। गया था। ओके तो थैंक गया यू। था यदि आपको बोलना है तो गच्छामि स्म बोल देंगे तो हो जाएगा। सर यहाँ पर जो कार्य संपादन लेकिन है तुम अभी इसको प्रयास कीजिए कि अभी भूतकाल और भविष्यकाल हम नहीं प्रयास जा, कर रहे हैं कि अभी हाँ ना करें, क्योंकि उससे फिर कंफ्यूजन हो सकता है। पहले नहीं हम रहेगा सर। एक वचन वर्तमान काल को समझते हैं, करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, फिर आएंगे सर ये भूतकाल जो राम भविष्यकाल। महोदय ने अभी अभी राम महोदय हाँ अवदम, अहम कार्य कार्य संपादन धनार्थ पुणे नगरम अगच्छामी, हाँ नहीं स्म नहीं, अगच्छामी मतलब स्म नहीं आएगा, यदि गच्छामी स्म तो आएगा। अगच्छन लगाया तो फिर हाँ फिर स्म की आवश्यकता नहीं है, वो अलग उपयोग है, पर अभी हम उसको नहीं देखेंगे क्योंकि अगच्छन में भी विभक्तियां हैं, तो उसके भी अलग अलग प्रकार हैं। वो अहम के लिए उपयोग हो रहा है या त्वम के लिए हो रहा है या सह के लिए हो रहा है, तो उससे भी वो बदलता है, तो बदलता अभी हम उसको उसके बारे में चिंता न करें तो ज्यादा अच्छा है, है। नहीं नहीं सर, तो ये जो मैंने ये पूछना था, जो कार्य संपादनार्थ, ये संस्कृत सही होगा या गलत है सर? तू हाँ बोले कि मैं कार्य पुनः काम कार्य करने के लिए गया था, अहम पुणे नगरम कार्य संपादनार्थ अगच्छम। कार्य संपादनार्थाय, तो अब फिर से आया विभक्ति आ गई, पर ठीक है अभी आप उसको जान ही रहे हैं तो जान ही लीजिए। संपादनार्थाय, क्योंकि संपादनार्थे यदि आप बोल रहे हैं तो संपादन में या संपादन पर वो उसका वो उपयोग है, तो वो तो आप कहना ननर्थ। नहीं चाह रहे, हम कहना चाह रहे कि कार्य संपादन के लिए, तो के लिए जो है वो अर्थाय, अर्थाय
जो है वो के लिए है, पुने नगरम गच्छामि स्म। अरे जो समझ में आया इसको हिंदी में क्या, संस्कृत में क्या बोलेंगे? हाँ, पूछना है आपको कि समझ में आया क्या? राम महोदय तुम ना ज्ञातम सर, वा। आपको सर, नहीं आपको हाँ नहीं सर, समझ भवतः, नहीं आया मुझे। भवतः, हाँ राम महोदय भवतः, या भवान भी, इस समय तो भवान भी कह सकते हैं क्योंकि लेकिन आपको अभी उसकी आवश्यकता ही नहीं, भवान या भवती की इस समय आवश्यकता नहीं है, आप सीधे बोल सकते हैं राम महोदय ज्ञातम वा, तो मतलब समझा क्या? नहीं सर, ज्ञात ज्ञात, ओके ज्ञात धातु आ जाएगा, ज्ञात बा, ज्ञात ज्ञातम बा, वा, ज्ञातम वा, ज्ञातम बा, ज्ञातम बा, तो फिर उत्तर में वो बोल सकते हैं आम, सिर्फ आम भी बोल आम, सकते हैं, या फिर वो बोल सकते हैं कि जानामि, जानामि। जनामी, ठीक जानामी। है, ओके चल। अच्छा अभी एक एक छोटा सा सवाल, अभी जैसे मिश्रा जी ने पूछा राम महोदय, तो मुझे जैसे जी बोलना है, जी बोलिए, तो उसको कैसे करूँगा? जैसे मैं बदामी महोदय, बदसी महोदय, मतलब जैसे मैं पूछता हूँ कि आशु जी, तो आप बोलेंगे हाँ बोलिए, या हाँ ऐसे, महोदय वदतु, अस्तु महोदय वदतु, वदतु, अस्तु, अच्छा अस्तु वदतु महोदय, सर, क्योंकि अस्तु अस्तु। के मल्टीपल अर्थ है ना, अस्तु हम ठीक है के लिए भी बोलते हैं, अस्तु हम अच्छा, जैसे बोलते हैं ना अच्छा, वो भी अस्तु है, तो अस्तु यहाँ पे आप अस्तु उपयोग कर सकते हैं, अस्तु मतलब वदतु। एक्नॉलेज कर रहे हैं किसी चीज को, तो अस्तु हो गया। हाँ ओके इसलिए अस्तु आम न ये सब मैं पहले ही सिखा देता हूँ, क्योंकि उसका इतना उपयोग होता है कि वो हर दिन में आप दिन में 50 बार बोलेंगे। ज्ञातम वा। अस्तु, आम उत्तमम उत्तमम। इदानीं हमको अभी सह वाली भी रचना देखनी है, इसकी तालिका ही बना लेते हैं एक बार, रुकिए यहाँ पे, अभी समय कितना बचा है अभी थोड़ा सा तो है। ये कोई संस्कृत पढ़ाया था क्या? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडित मंडित है, मैंने कहीं देखा था। आपने कोई श्लोक पढ़ाया था क्या? कौन सा वाला? अभी पीछे कहीं देखा था, समुद्र वसते देवी पर्वत स्तन मंडित, ऐसा आया था कहीं पे। नहीं, आपको ये वाला दिखा होगा, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविनः। नहीं, एक और आया था इधर, इधर नीचे लिखा हुआ था, समुद्र वसने देवी ओ पर्वत पर सर, माया ये हमारा सत्र नहीं है ना? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। हाँ ये नहीं है, जो भी हो रहा है वो मैं अभी करवा रहा हूँ साथ अच्छा हाँ, में। ये किसी और का है, मुझे लगा कल शायद ये पढ़ा है, मैंने देखा नहीं। हाँ असल नहीं में वो कल नहीं था सर। यही बैच में कुछ लोग पहले आते थे, वो अभी आने रुक गए और अब लोग बदल गए, तो अब मैंने इसलिए बैच का नाम नहीं बदला, क्योंकि वो लोग कभी कभी वापस आ जाते हैं, तो नाम वही का वही है, पर ये डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है तो उसमें मैं जोड़ता जाता हूँ, इसलिए कोई चिंता नहीं। और वो अच्छा भी है कभी कभी बीच बीच में देखने के लिए कि पहले किस क्रम में हमने क्या किया था, तो वो कभी कभी देख के उसको मैं वापस वही करवा देता हूँ फिर से। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे थे? हाँ तो अभी हम एक श्लोक ही कर लेते हैं, ये वाला श्लोक अच्छा है तो इसको सीखा जाए। आप लोगों ने ये वाला सुना है या सीखा है पहले? हो सकता है सीखा हो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, नहीं और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ तो हम उसका अर्थ भी समझते हुए चलते हैं। अभिवादनशीलस्य, आप भी लिखते जा सकते हैं साथ में,
कृपया लिखतु। नित्यं वृद्धोपसेविनः जो अभिवादनशील है और नित्य वृद्धों की सेवा करता है, किसी न किसी वृद्ध की सेवा करता है। या करती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी चार चीजें बढ़ जाती हैं। आयुर्विद्या यशोबलम, तो ये तो बहुत ही सरल श्लोक है, समझ में बहुत आराम से आएगा और बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अच्छा श्लोक है। आप किसी बच्चे को भी, किसी को भी सिखा सकते हैं। जो भी अभिवादनशील है, सबका सम्मान करता है और वृद्धों की सेवा करता है, ऐसे मनुष्य की चार चीजें अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या आयुर्विद्या यशोबलम्। यशो बलम। चलिए एक बार मिश्रा जी आप भी बोल के देख लीजिए, पूरा आपने लिख लिया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। उत्तम। ऐसे कभी कभी हम बीच बीच में श्लोक करते रहते हैं, हर सत्र में नहीं पर कभी कभी, जैसे जैसे हमको उपयोगी लगता है या मुझे कोई उपयोगी श्लोक कहीं पे नजर आते हैं। जैसे एक चीज आपको दिखाता हूं, ये भारत का एकमात्र संस्कृत दैनिक समाचार पत्र है, सुधर्मा सुधर्मा। सुधर्मा। एक ही पेज का होता है, एक ही पृष्ठ का होता है, इतना आगे और उतने ही पीछे, एक पृष्ठ का है पर पूरा संस्कृत में होता है। बहुत ही बढ़िया है। और क्योंकि एक ये पृष्ठ क्या का नेट में है, अवेलेबल है, ई पत्रिका है? ये है कि नहीं मुझे लगता तो नहीं है, पर ये बहुत आसान, मतलब आप 400 या 500 रुपये पूरे साल का लगता है और हर दिन आता है, ये डेली है, मैसूर से आता है, मैसूर में छपता है। तो इसका वेबसाइट का नाम भी है सुधर्मा संस्कृत डेली .in, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यदि आपको देखना है कि कैसे मिलेगा, ई फॉर्म में भी है या नहीं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो उसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। मेरे तो घर पे आता है इसलिए, और मेरे एक मित्र ने मुझे ये उपहार स्वरूप देना दिया था, तो अभी उसने एक बार 500 रुपये का वो लगाया था, तो अभी चल रहा है उसी का। सुधर्मा संस्कृत डेली डेली डॉट इन डॉट आई एन। ये मैसूर से छपता है। और वैसे आपको हर दिन या हर कुछ दिनों में पढ़ने के लिए चाहिए तो आप जब संस्कृत भारती की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो उस पे आपको मिलेगा संभाषण संदेश, संभाषण संदेश। ये संस्कृत भारती के साइट पे है और ये तो पूरी की पूरी पत्रिका जैसी है, मतलब इसमें लगभग 40-50 पन्ने होते हैं और ये महीने में एक बार शायद निकलती है।
तो आपको हर दिन पढ़ने के लिए चाहिए तो आप इसी को उठा के, और ये ई फॉर्म में भी है और प्रिंट फॉर्म में भी आती है, मतलब आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। शायद 130 रुपये पूरे साल का लगता है, तो बहुत सस्ता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और फिर हर महीने आपके घर पे आएगी, और या फिर अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में पढ़ना है तो वो तो वहाँ पे वैसे भी अवेलेबल है, उसके लिए कहीं कोई सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं, तो वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। और क्योंकि 40-50 पेज हैं तो आपने एक दिन में एक पृष्ठ भी पढ़ा और या अभ्यास किया, तो महीने भर आप एक एक आर्टिकल या एक एक पृष्ठ करते रह सकते हैं, उत्सुकता यदि है तो। पर यदि ये समाचार पत्र आएगा या ये भी आपके घर पे आएगी यदि, तो दूसरे जो घर के सदस्य हैं या आसपास के लोग भी हैं वो भी देखेंगे, मतलब आपके आपका पढ़ के यदि हो गया तो आप दूसरे को पढ़ा दीजिए। इसमें सबसे अच्छी चीज है कि सुधर्मा में आगे का जो पृष्ठ है, सबसे पहले इसमें सुभाषित, हर दिन कोई एक नया सुभाषित रहता है। ये जो मैं उंगली रखा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सुभाषित लिखा रहता है। फिर आगे जो अभी देश में चल रहा है उसके अलग अलग जो भी समाचार चल रहे हैं वो होगा, और पीछे के पृष्ठ पे रामायण या महाभारत के 4-5 प्रश्न रहते हैं, उत्तर के साथ में रहते हैं, तो 5 प्रश्न रहेंगे और उनका ही नीचे उत्तर भी रहता है यदि आपको पता करना है। और फिर उसके नीचे एक दो रामायण या महाभारत या किसी और महाकाव्य में से कहानी, छोटे छोटे प्रकरण जो होते हैं, हनुमान जी ने कुछ किया या राम जी ने ऐसा किया, लक्ष्मण जी ने ऐसा किया, वो छोटे छोटे प्रकरण भी होते हैं। तो पीछे थोड़ा साहित्यिक और आध्यात्मिक होता है, और आगे की तरफ जो अभी के समसामयिक चल रहा है, करंट अफेयर्स जिसको कहते हैं, वो रहता है। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया, छोटा सा समाचार पत्र है, काफी लोगों ने तो लग। भी सर, ये आचार्य महोदय, ये हाँ जो हमने श्लोक अभी लिखा उसमें ये तो सब समझ में आया, मतलब पहले जो अभिवादन है शीलस्य, इसका एग्जैक्ट अर्थ क्या है? अभिवादन तो हम समझते हैं कि किसी को अभिवादन करना, शीलस्य। अस्य जहां भी लगाया वो का के की वाला जो उपयोग है वो विभक्ति, षष्ठी विभक्ति है। तो अभिवादनशीलस्य मतलब अभिवादनशील मनुष्य का। ओके okay, अभिवादन मनुष्य, अभिवादन शील मनुष्य का। तो उसका अर्थ ये है कि जो अभिवादनशील मनुष्य का, जो कि वृद्धों की सेवा भी करता है, उसका 4 चीजें बढ़ती हैं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते। नहीं मैं सर इसी इधर इसे अभिवादनशील मनुष्य का, ये मतलब अभिवादनशील मनुष्य कौन है, मतलब जिनको हम अभिवादन जब करेंगे, क्योंकि जो हमसे बड़े हैं, जो जिनका अभी अभिवादन बड़े करेंगे, नहीं, जो अभिवादन करता है। तो अभिवादनशील वो है जो दूसरों के लिए सम्मान अपने मन में रखता है। तो यदि जी जैसे आप सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि मिश्रा जी आप अभिवादनशील हैं, जी 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 ठीक है। सुशील अभी जैसे बोलते हैं सुशील, उसी तरह अभिवादनशील। हाँ, सुशील मतलब अच्छे चीजें सोचने या करने वाला, वैसे ही अभिवादनशील है। जी तो ये दोनों आपने देख लिया, ये सुधर्मा की वेबसाइट है, ये जो डेली दैनिक समाचार पत्र है, और दूसरा ये संभाषण संदेश, ये संस्कृत भारती की पत्रिका है। तो जो भी पढ़ना चाहे ऑनलाइन, ये वाला तो ऑनलाइन पक्का मिलता है, सुधर्मा का मुझे नहीं पता, सुधर्मा प्रिंट नहीं, फॉर्म है। मैं वेबसाइट देख रहा हूँ, वहाँ पे है 600 रुपये में, उसका भी सब्सक्रिप्शन है फॉर ऑनलाइन, सुधर्मा, सुधर्मा, तो ऑनलाइन और सुधर्मा। प्रिंट दोनों फिर होगा साथ में, क्योंकि 500 में तो वो प्िंट का आ ही जाता है घर पे, तो 600 नहीं, में दोनों 600 इंक्लूडेड होगा फिर। नहीं, 600 में न्यूज़पेपर विल डिस्पैच डेली वाया ऑर्डिनरी रेगुलर पोस्ट, हाँ एंड 600 नो फिजिकल कॉपीज, न्यूज़पेपर कैन बी एक्सेस ऑनलाइन एनी टाइम एनी वेयर, ई पेपर। अच्छा। ठीक है, फिजिकल ये छह आता सौ है तो रुपये मुझे पर ज्यादा मंथ अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो हमको हाथ में पढ़ने के लिए भी चीजें मिलती हैं, प्लस आजू बाजू के लोग भी देख सकते हैं, जैसे घर के और भी सदस्य हैं। हर किसी को कंप्यूटर या मोबाइल पे पढ़ने का कोई इंटरेस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं,
पर पेपर रखा रहेगा तो कोई ना कोई कभी ना कभी उठा के देख लेगा। नहीं, आपकी आपकी बात बराबर है। क्योंकि इतने सारा मटेरियल आता है, उस पर तो इतना समय मिलता नहीं है, पर किताब होती है। जैसे मैंने भी जो भी संस्कृत और इसके जो भी कुछ भी मुझे वो मिलता है, उसका मैं प्रिंट निकाल लेता हूँ। तो वो हाँ कभी भी बैठे हो तो 1 मिनट देख लिया, उसको साथ में रख लिया, ट्रैवल करते हुए देख लिया, तो वो देख सकते हैं। वो सब स्क्रीन भी तो कौन सही, सा। अगर मिल गया तो बहुत अच्छा हाँ है। नहीं, हाँ ठीक है। वो पेपर्स, इनफैक्ट मेरा ये मेरा खुद का मानना ये है कि जैसे जिसको इंग्लिश नहीं आती, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ा करो। सो जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो रिलेट अच्छी तरह कर पाएंगे। तो अगर संस्कृत का भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हम उसको रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि चाहे हाँ 4 दिन पुरानी भी न्यूज़ हो तो मुझे थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि ये क्या है। तो वो उसको मैं जब पढ़ूंगा तो वो उसमें सारे टेंसेस वेंसे सब समझ में आ जाएंगे मुझे। अंदाज होने हाँ, वो लगेगा, भी एक मतलब अभ्यास पढ़ते अभ्यास हो पढ़ते जाएगा। समाचार एग्जैक्टली समझ में वो। आने लगते हैं कि हाँ अच्छा ऐसा हाँ है ऐसा है। फिर जब वही हम कक्षा में इसका पढ़ेंगे तब आपको ध्यान में आएगा कि अच्छा हाँ ये शब्द एग्जैक्टली था वैसा यस शब्द था। कुछ नए नए शब्द आप भी कक्षा में लेके आ सकते हैं कि अरे मुझे आज इस बार ये पता चला वो पता चला। अस्तु तो इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि। आम आम पुनर्मिलामः सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां नमो नमो, पुनः नमो नमः, मिलामः। धन्यवाद आचार्य महोदय। राम राम धन्यवाद महोदय, नमस्कार जी, धन्यवाद। धन्यवाद। पुनः मिलामः।